वेलकम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिलिप्स कार्बन ब्लैंक लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक में हम देखेंगे तो अभी कौन सा पोजीशन पे हम एंट्री लेके चल सकते हैं, या तो फिर हमारा पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है तो इसको कौन सा लेवल तक होल्ड करके चलना चाहिए, ये स्टॉक सही है हमारे लिए एंट्री करने के लिए या तो फिर सही नहीं है, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी किस फील्ड में काम करता है उसके बारे में भी देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अभी वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर एक बार बताना चाहूंगा, वीडियो का पूरा एक बार कंप्लीट देखिए। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज का, मैं कभी कभी कोई एक वीडियो में बीच में कभी कभी कोई कौन सा स्टॉक मैंने बाय किया और कौन सा स्टॉक सेल किया हूँ ये चीज भी बीच बीच में जिक्र कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड वाला वीडियो एडिट करके नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि मैं जॉब के साथ में स्विंग ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी जिस हिसाब से वीडियो का कोई एडिटिंग नहीं होता है, डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके साथ में मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में कभी कोई चीज अगर दिमाग में आ जाता है उस चीज में आपको जिक्र कर लेता हूँ कि ये स्टॉक मैंने बाय किया हूँ, ये स्टॉक सेल किया हूँ और कौन सा स्टॉक में मुझे अच्छा लगता है वो चीज भी मैंने बीच बीच में बता देता हूँ। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा तक देखना चाहिए। अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक में मैंने पोजिशन बीच में लिया हूँ, क्या है वो सब चीज का पता चलेगा, क्योंकि ऐसा एक स्टॉक आज के दिन में मुझे 100% का प्रॉफिट दे रहा है, 120% प्रॉफिट में मैं बैठा हुआ हूँ उस स्टॉक में, और ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है मैंने उस स्टॉक को बाय किया है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 5 मंथ्स पहले मैंने उस स्टॉक को बाय किया था, मुझे अभी 120% का गेन मिल रहा है, ठीक है। मैं उस स्टॉक के भी आपको बिल्कुल आपको शो करूंगा कौन सा स्टॉक है और कितना पोजिशन लिया हूं और क्या प्रॉफिट अभी आ रहा है, ठीक है। आप वीडियो में जरूर आखिर तक बने रहिए फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल में अगर आप न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में आप ये पोर्टफोलियो जो यहाँ पे प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है आपके लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूली एंट्री किए हैं, आपको लॉस हो रहा है, इतना ज्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे हैं, मैं शुरू में से जब से स्टार्टिंग में चैनल बनाया हूँ तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी भी कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करके बताता हूँ, वो स्टॉक को अगर मैं बाय करके लेके चलता हूँ तो उसको विदाउट प्रॉफिट में मैं कभी सेल नहीं करता हूँ, ठीक है। जब तक फंडामेंटल उसका कुछ चेंज ना हो जाए, जब तक कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना हो जाए तब तक मैं होल्ड करके चलता हूँ, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से आप सारे स्टॉक को यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका एनालिसिस, उसके साथ में पोर्टफोलियो रिव्यू देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू है तो ये जीटी ट्रेडर कैसे लगाते हैं ये सारे चीज देख सकते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में कैसे करता हूँ, कौन सा स्टॉक को कैसे एक अच्छे से स्टॉक को ढूंढता हूँ, आप यहाँ से जाके जरूर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में मैंने 5 स्टॉक के बारे में बताया हो, अगर अभी के मार्केट सिनेरियो में अगर आपको कोई 5 स्टॉक बाय करना है, मेरे हिसाब से ये 5 स्टॉक आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, जो कि आप थोड़ा सा रिस्क लेके अच्छा सा रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ये वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो बात करेंगे यहाँ पे फिलिप्स कार्बन की कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी अभी ट्रेडिंग हो रहा है 244 के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, आज के दिन में 3.3% का तेजी देखा गया है, जो कि 52 वीक का हाई है, इसका 277 है, अभी स्टॉक तो नियरेस्ट 52 वीक हाई के पास में चल रहा है। अगर आज के दिन का अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 70,90,000 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, इसमें से डिलीवरी उठाया गया है 8,26,000 क्वांटिटी, यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 46% का डिलीवरी उठाया गया है, एक बेहतरीन डिलीवरी उठाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसी हिसाब से स्टॉक का अगर फंडामेंटल की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो स्टॉक है एक 4,600 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका जो पी है 9.64 पे पी ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब बहुत चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। अगर आरओसी की बात करेंगे 17% का आरओसी है, यहाँ पे प्रमोटर प्लेज भी जीरो है, और डेट इतना ज्यादा डेट नहीं है, 0.34% का डेट है। यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 319 ऑल टाइम हाई है। तो और एक चीज जो वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है हमें, देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू 118 के पास में है, तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 245 के पास में, ओनली प्राइस टू बुक वैल्यू 2 पे चल रहा है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है स्टॉक में आपको थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। अगर हम देखेंगे ये स्टॉक का एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है और प्रोडक्ट बेस का क्या है, ये जो कंपनी है, कंपनी अभी 40+ कंट्रीज में है, इनका कस्टमर बेस है, ठीक है। अगर हम कंपनी का बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी है, द कंपनी इज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लॉक एंड स्पेशलिटी ब्लॉक्स फॉर B2B, कार्बन ब्लॉक्स यूज्ड इन टायर एंड नॉन टायर रबर एंड नॉन रबर प्रोडक्ट्स, द स्पेशलिटी कार्बन ब्लॉक इज यूज्ड इन प्लास्टिक इंक एंड ट्यूनर टोनर एंड पेंट्स एंड कोटिंग एंड बैटरीज, ये सब में यूज होता है। अगर आप इसी हिसाब से आप आगे यहाँ पे नीचे आके देखेंगे कस्टमर बेस में, ये देखिए यहाँ पे कस्टमर बेस इनका कौन है,
इनका जो मेजर कस्टमर बेस है यहाँ पे MRF है, यहाँ पे अपोलो है, जेके टायर है, यहाँ पे TBC TBS टायर है, यहाँ पे C8 है, तो इस हिसाब से नेक्सन टायर है, गुडियर है, तो इस हिसाब से ये सब टॉप 10 क्लाइंट है इनका, जो कि 65% का टोटल रेवेन्यू यहाँ से आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कंपनी तो एक अच्छा सा ब्रांडेड कंपनी है, तो इस हिसाब से आप अगर जाके इसका अगर हम एक बार प्रॉफिट देख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सितंबर का क्वार्टर में, लास्ट सितंबर में 664 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ था, अभी सितंबर में 1068 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो अभी अगर नेट प्रॉफिट की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, अभी के सितंबर क्वार्टर में 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, जो कि मतलब 100% का नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया, अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर इसी हिसाब से लास्ट चार क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे 480 नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे, 3700 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है, जो कि बहुत बढ़िया सा सुपर अभी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप इसी हिसाब से स्टॉक में देखेंगे कि कौन सा पोजीशन पे स्टॉक जाना चाहिए, तो उसका भी हम बात करेंगे। अभी अगर रिजर्व की बात करेंगे, रिजर्व तो बहुत बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2197 पे रिजर्व जाके पहुंच चुका है, तो इस हिसाब से बोरोइंग भी इतना ज्यादा नहीं है, ओनली 750 करोड़ का बोरोइंग है। अगर हम प्रमोटर की बात करेंगे, यहाँ पे प्रमोटर के पास में 55% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे स्टेक बिल्कुल बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, जो कि 53.56% का यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में था जून में। अभी अगर सितंबर की बात करेंगे, सितंबर में 55% का स्टेक बिल्कुल 2% का स्टेक यहाँ पे बढ़ाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पे FII के पास में देखेंगे, 6.5% का FII के पास में, DII के पास में 2% का है, पब्लिक के पास में 34% का है। मेरे हिसाब से स्टॉक मुझे तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लग रहा है इस बेसिस पे। इसके बाद में हम अभी जाके बात करेंगे चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे मैंने वादा किया था एक चीज बताने के लिए, कि कौन सा स्टॉक के बारे में मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, जो कि वीडियो में बीच बीच में बोलता रहता हूं, कुछ 1-2 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले मैंने बताया था, एक स्टॉक का जिक्र किया था, वो स्टॉक का नाम देख लीजिए फ्रेंड्स। मैंने उस टाइम पे स्टॉक में पोजिशन भी बनाया था, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जेपी पावर की मैं बात कर रहा हूँ। जेपी पावर में 4.17 के पास में मैंने जब पोजीशन बनाया था, तो वहां पे तो अभी का स्टॉक प्राइस देखिए, अभी आज के दिन का अगर मार्केट सिनेरियो देखेंगे 9.3 पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे आज के दिन में जो तेजी था 9.93% का तेजी था, तो इस हिसाब से स्टॉक में मुझे 123% का गेन मिल चुका है। ठीक है, मेरा टारगेट है मैं 10 प्राइस में 10 रुपए के पास में मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में जब 100% एबव जब गेन मिल जाता है, उस टाइम पे स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉक तो वैसे अगर देखा जाएगा, इसका अगर बुक वैल्यू की हम बात करेंगे ना जेपी पावर की, देखिए एक बंदा ने भी बता रहा था कि क्या आप हमेशा जेपी पावर की बात कर रहे हैं। अरे जहां पे मुझे लगता है सही है तो तभी तो मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा मैं थोड़ी बात कर रहा हूं कि कंपनी बुरा है। कंपनी हमें बुरा अच्छा से कोई मतलब नहीं, हमें जहां पे अच्छा सा गेन मिलता है, जहां पे स्विंग ट्रेड में बढ़िया सा गेन मिलता है, मैं वही स्टॉक आपको रिकमेंडेशन देता हूं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, मैं आपको बताता हूं, आपके सामने लाके रखने की कोशिश करता हूं। मैं कोई यहां पे रिकमेंडेशन सेल करने के लिए नहीं आया हूं, ना तो मैं कोई ये नहीं हूं, मैं आपको मेरा व्यू आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे देखिए, यहां पे बुक वैल्यू 15 तक है, अगर उसी हिसाब से 15 तक रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 15 तक जाने में हो सकता है कुछ टाइम भी लग सकता है, क्योंकि जब स्टॉक इतना बड़ा रैली दिखाता है ना, उसके बाद में थोड़ा टाइम करेक्शन भी हो सकता है। इस हिसाब से मैं स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूं 10 रुपए के पास में। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आप खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिए। ठीक है, मैं अपना व्यू जो है, मैं खुद का व्यू आपके सामने शेयर किया। ठीक है, आज हम अभी जो बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए मैंने कहां पे बताया था, चार्ट पे भी मैं आपको बताता हूं। जेपी पावर, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा स्लो चल रहा है। नेट स्लो चल रहा है फ्रेंड्स।
अभी आपका पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है जो कि प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा लॉस दे रहा है, वो स्टॉक के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा सा अभी प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा लॉस दे रहा है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि वो स्टॉक में है। यहां पर अगर हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था, तब इस टाइम पे इस लेवल पे चल रहा था, ठीक है, जहां पे मैंने यहां पे मार्क भी किया था, मैंने आपको बताया भी था, देखिए यहां पे एक रेंज मैंने बना के बताया भी था, उसी लेवल पे मैंने बाय किया था, ठीक है। अगर उसी हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पे देखिए इस लेवल पे मैंने आपको बताया भी था, इस लेवल का हिसाब से देखेंगे तो कितना परसेंटेज का गेन मिला, कितना दिन लगा है, देखिए यहां पे 73 डेज है, तो इट मीन्स क्या है, मतलब 2.5 महीना है, ठीक है, 2.5 मंथ्स में यहाँ पे 120% का गेन है, तो ये कोई बुरा नहीं होता है, बहुत अच्छा सा गेन होता है, ठीक है, इसी हिसाब से आप कंसीडर भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कार्बन के बारे में, फिलिप्स कार्बन के बारे में, इस पे मैंने क्यों बता रहा हूं कि ये स्टॉक में आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे फिलिप्स कार्बन के बारे में, यहां पे देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से फाइनेंशियली यहां पे बहुत सुपर दिख रहा है मुझे, तो ये स्टॉक में मुझे लगता है बहुत अच्छा सा गेन आपको मिल सकता है, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पे चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए, जब स्टॉक इतना बड़ा सा कंसोलिडेशन होता है उसके बाद में अगर फाइनेंशियली अगर स्टॉक को वहां पे चार्ट पे सपोर्ट दिख जाता है तो वहां पे आपको तो बहुत अच्छा सा रैली आना ही है, ठीक है। फाइनेंशियली क्यों सपोर्ट दिख जाता है वो पहले देख लीजिए। यहाँ पे स्टॉक में जब करेक्शन हुआ था, जब ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पे 2018 में, तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस था 320 के पास में, जब उस टाइम पे था स्टॉक का प्राइस, तो उस हिसाब से अगर 2018 की बात करेंगे उस टाइम पे प्रॉफिट आता था 229 करोड़, तो वहां पे 229 करोड़ प्रॉफिट आता था, वहां पे सेल्स आता था 2500 करोड़ का, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे अभी सेल्स आ रहा है 3700 करोड़ का, अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल डबल से ज्यादा भी हो चुका है, ठीक है, 100% से ज्यादा हो चुका है, तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है स्टॉक प्राइस 100% ऊपर भी जा सकता है, इसमें कोई शक होने की बात हमें नहीं है, और स्टॉक कितना बड़ा सा कंसोलिडेशन भी दे चुका है, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक को देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा पैटर्न बिल्डअप हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एक यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्ड हो रहा है, अब देखिए ना यहाँ पे देखिए लेफ्ट शोल्डर हुआ यहाँ पे, तो इस हिसाब से यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो रहा है, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अगर अभी आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको एक बढ़िया सा गेन मिल सकता है, ठीक है। अगर किसी का पोर्टफोलियो में है तो भाई मैं आपको सबको बोलूंगा कि स्टॉक को होल्ड कीजिए, आप लॉस में सेल मत कीजिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। जब इतना दिन आपने यहाँ पे कंसोलिडेशन में आपने पार्टिसिपेट किया, अगर होल्ड करके रखा है तो अभी गेन लेने का टाइम है, अभी आपको बिल्कुल निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक में अभी का करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बाय करके चलेंगे ये स्टॉक में, आप ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंशियली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जिस हिसाब से डबल हुआ है तो इस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी डबल हो सकता है, ठीक। अगर आप अभी का करंट मार्केट सिनेरियो से अगर ये स्टॉक को बाय करके चलेंगे और ये टारगेट तक हम अगर लेके चलते हैं 495 तक का, ठीक है, तो हमें 100% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। जहां पे 100% का गेन मिलता है वहां पे अगर 2 साल भी लग जाए फिर भी कोई बुरा नहीं होता है, बहुत बेहतरीन गेन होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टॉक आप बाय कर रहे हैं खुद का एनालिसिस जरूर बाय कर लीजिए, मुझे तो लग रहा है ये मुझे बहुत बढ़िया सा गेन दे सकता है, इसीलिए मैं स्टॉक में पोजीशन बनाने वाला हूं। लेकिन कोई भी स्टॉक में आप पोजीशन बनाएंगे खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिए, उसी बेस पे पोजीशन बनाइए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, और आपके लिए जो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन आप जरूर विजिट करना कर लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, उसके साथ में इंपॉर्टेंट बुक का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।